हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना रजनीश और सामने आपके है भाई जीप रैंगलर रूबीकॉन का मॉडल। इसको ब्लैक माफिया भी कह सकते हैं क्योंकि ब्लैक कलर में है। माफिया तो है ही है, वो तो सभी लोग जानते हैं। बाकी लाखों लोगों का जो है ये एक ड्रीम कार है भाई। कार तो इसको कह नहीं सकते, एसयूवी है। और बहुत कम जो है शोरूम पे ये स्टैंड बाय दिखती है क्योंकि ये वेटिंग में ही रहती है, तो शोरूम पे देखने को तो मिलती नहीं। और भाई आज किस्मत की बात समझो कि हमें जो है इस गाड़ी को देखने का मौका मिला, इसके जो फीचर्स हैं उनको छूने का मौका मिला, उनको फील करने का मौका मिला। तो आज मैं दिखाऊंगा कि इसमें क्या फीचर्स ऑफर किए गए हैं, क्या फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं और क्या इसकी क्वालिटी है और कैसी दिखती है अंदर से बाहर से, सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में आज। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी की से। इसकी की के की इसकी कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। यहाँ जो है आपको ये यहाँ से जो है की निकल के आती है बटन प्रेस करते ही। और यहाँ पे आपको दो फीचर्स मिलते हैं, दो नहीं सॉरी मतलब तीन फीचर्स मिलते हैं, लॉक और अनलॉक। और इसको जो है आप टू टाइम प्रेस करेंगे तो इंजन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा अंदर बिना बैठे। जैसे कि मैं एक बार इसको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। इसको हमने दो बार प्रेस किया और ये स्टार्ट हो गया, और फिर से प्रेस कर देंगे तो ऑफ भी हो जाएगा। सामने का लुक दिखाते हैं। सामने के लुक से ना काफ़ी ज़्यादा एकदम ब्रॉड सी दिखती है और काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है ब्रॉड हाई भी, चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है। आगे का बम्फर देखिए, मतलब कि जो है कितना हाई भी और कितना बड़ा है। और इसके सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखिए कि इसके जो है ये आपका हेडलैम्प प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प है जो कि वाइट रोशनी के साथ भाई सामने जब पड़ते हैं ना तो सामने वाली लाइट को बिल्कुल चीर देते हैं। और इसी में आपको जो है DRL मिल जाते हैं राउंड शेप में, और यहाँ पे आपको LED फॉग लैंप मिल जाते हैं। आगे आपको जो है इसमें चार पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं, और यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर मिलते हैं, और ये आपको बोनेट ओपन करने के लिए मैनुअल लॉक हुक मिलता है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे 7 स्लॉट की ग्रिल मिलती है और बिल्कुल मतलब एकदम सामने से वैसे ब्लैक कलर में फिर बिल्कुल एकदम जहर सी लगती है भाई। ब्लैक माफिया भाई डॉन हाई है। बहुत से लोग इसको थार से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि ये थार जैसी दिखती है, लेकिन ये थार जैसी नहीं दिखती है, थार इसके जैसी दिखती है। बाकी इसका फ्रंट प्रोफाइल तो आपने देख ही लिया, अब इसका साइड प्रोफाइल देखिए। साइड प्रोफाइल में आपको कुछ ऐसा लुक देखने को मिलेगा जो भाई बिल्कुल एकदम जबरदस्त है, बिल्कुल पूरी तरह से आग लगा देने वाला साइड प्रोफाइल है इसका। यहाँ पे आपको करीब 225 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, और इसमें आपको 20 इंच के अलाइविल मिलते हैं, 20 इंच के भाई इसमें ऑल सीजनल टायर मिलते हैं। टायर का डिज़ाइन देखिए भाई, मतलब कितना मतलब एकदम जबरदस्त टायर का डिज़ाइन है, टायर से ही जो है हम इसके दीवाने हो जाते हैं। बाकी इसमें आपको रफ फिनिशिंग के साथ में डोर हैंडल मिलते हैं। यहाँ पे आपको जो है चाबी से अनलॉक करने के लिए मैनुअल की आप यहाँ पे लगा सकते हैं। साइड मिरर इसमें हैंड एडजस्टमेंट के साथ में है, और इसमें आपको यहाँ पे LED इंडिकेटर मिल जाता है। बाकी इसमें यहाँ पे आपको जो है जीप का लोगो मिलता है, ये आपको यहाँ पे एंटीना मिल जाता है, और इसके जो है डोर के जो कब्जे हैं भाई, ये कब्जे ही देखिए, मतलब कि आप कब्जे से जो है मतलब सोच सकते हैं कि जो है इसका डोर का वजन कैसा होगा। बाकी यहाँ पे आपको क्लाइडिंग मिलती है जो कि रफ फिनिशिंग के साथ में है। बोनेट पे आपको यहाँ पे रूबीकॉन की बैजिंग मिल जाती है। भाई गाड़ी थोड़ी सी गंदी है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी। बाकी इसका जो है आपको साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा देखने को मिलता है, और इसका जो रियर प्रोफाइल है ना, अब वो बिल्कुल और जहर लगता है पीछे से बैक साइड का। जो यहाँ पे आपको टो हुक मिलता है जो कि रेड कलर में है, बिल्कुल देखने में बिल्कुल स्पोर्टी फील देता है। और यहाँ पे आपको ये फॉग लैंप मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको स्क्वायर शेप में मिलता है टेल लैंप, और ये आपका जो है रिवर्स लैंप हो जाता है, ये आपका DRL हो जाता है, और इसी में ब्रेक लाइट फिक्स है। और यहाँ से ओपन करते हैं इसका बूट, जो है इसका बूट का जो ये डोर है ना वो बहुत हाई भी है, और इसको यहाँ तक ओपन किया जा सकता है, मतलब 90 डिग्री से भी ज़्यादा। बाकी यहाँ पे आपको ग्लास पे वाइपर मिलता है, और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा भारी भरकम बूट स्पेस मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको जो है
एसेसरीज की मैट्स वगैरह कुछ मिल जाती हैं जो कंपनी की तरफ से ऑफर की गई हैं, और यहाँ पे आपको नीचे टूल्स किट वगैरह मिल जाती हैं। और यहाँ से ओपन करते हैं तो इसके नीचे आपको जैक वगैरह देखने को मिल जाएगा। बाकी इसको करते हैं अब क्लोज, हो गया ये बंद। और इसको बंद करने के लिए पहले हमें ग्लास डाउन करना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ कि यहाँ पे ये देख रहे हैं पिलर्स जो लगाए गए हैं, तो ये हार्ड टॉप जो है इसको हटा के यहाँ पे आपको सॉफ्ट टॉप कवर लगाया जा सकता है। तो इसको यहाँ से स्क्रू से खुलवाना पड़ेगा, अपने हैंड से नहीं खोल सकते। ताकि इसको पहले बंद करना पड़ेगा ग्लास को, उसके बाद में फिर ये होगा ऐसे बंद। बाकी ये आपका जो है सेम साइज का स्टेपनी स्पेयर व्हील मिलता है आपको। यहाँ पे नीचे रिवर्स सेंसर मिल जाते हैं, जो है ग्लास पे आपको डिफॉगर लाइन मिल जाती हैं। जैसे कि इसका डोर का आवाज़ सुनिए, क्या फील है, मतलब ऐसा फील आ रहा है ना कि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, मैं बता ही नहीं सकता कि मतलब इसका फील कैसा, मेरे पास वर्ड ही नहीं है इसको बताने के लिए। बाकी ओपन डोर ओपन करते ही आपको यहाँ पे डोर पे ये आपको यहाँ पे मिरर एडजस्टमेंट के लिए आपको यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं। ये आपका जो है डोर हैंडल है जो कि क्रोम फिनिशिंग के साथ में है, और ये आपका लॉक और अनलॉक मिल जाता है। बाकी डोर के पे यहाँ पे आपको पूरी जो है सॉफ्ट टॉप जो है आपको नेगेटिव फोमिंग के साथ में सॉफ्ट टॉप जो है आपको ये ट्रिम मिलता है। और यहाँ पे आपको टोटल इसकी जो स्टिचिंग है वो आपको यहाँ पे रेड कलर की मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब लुक वाइज प्रीमियम लगती है। नीचे आपको यहाँ पे जो है थोड़ा हल्का फुल्का जो है सामान कैरी कर सकते हैं। बाकी जो है इसकी अंदर का स्पेस अच्छा हो और काफ़ी ज़्यादा जो है इस जगह ना ले, तो यहाँ पे आपको कोई मतलब उस तरह का नहीं दिया गया है जैसे अदर गाड़ियों में होता बॉटल होल्डर वगैरह, तो वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको टोटल ये हैंडल मिलेगा, और बाकी ये आपका हल्का फुल्का यहाँ पे छोटा मोटा कोई सामान कैरी कर सकते हैं बाकी। और यहाँ पे सीट आपको सीट एडजस्टमेंट के लिए ये आपका जो है यहाँ से ये दिया गया है, इससे आप यहाँ पे सीट अपना ये रिक्लाइन कर सकते हैं। और यहाँ से आप जो है इस हैंडल से सीट को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये आपका जो है इसका लंबर सपोर्ट के लिए है, जो कि सारी चीज़ें मैनुअल है भाई। यहाँ पे जो है थोड़ा सा क्रॉस कटिंग किया गया है, अगर चाहते तो यहाँ पे भाई इतना पैसा लगाने के बावजूद कि जो है यहाँ पे मैनुअल दिया गया है, इसको इलेक्ट्रॉनिक भी दे सकते हैं। बाकी इस पे बैठने के लिए भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ऊंचे पैर करना पड़ेगा तब जाके बैठ सकते हैं। और यहाँ पे हैंडल दिया गया है, हैंडल पकड़ के आप इजीली थोड़ा सा आसानी होती है बैठने में। बाकी सीट को यहाँ से थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, स्पोर्टी लुक इस पे जो है फील आता है भाई। स्टेयरिंग आपको फुल्ली लेदराइज स्टेयरिंग मिलती है, जो कि रेड स्टिचिंग के साथ में, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। और यहाँ पे आपको जो है राउंड शेप में यहाँ पे आपको जो है इसमें एयर बैग है, और इसी में आपको हॉर्न दिया गया है, जो कि इसकी एक बार हॉर्न की आवाज़ सुनिए आपकी जो है मतलब इतना लगता है कि हाँ कि किसी गाड़ी का कोई हॉर्न है। देखा मस्त, बिल्कुल गजब का साउंड आता है हॉर्न का भी। बाकी यहाँ पे आपको जो है क्रोम एलिमेंट्स जो दिए गए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं देखने में। ये आपको क्रूज कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे आपको जो क्लस्टर कंट्रोल करने के जो है बटन्स दिए गए हैं, और अपना फ़ोन कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको जो है हेडलैम्प ऑन ऑफ करने के लिए दिए गए हैं, ऑटो हेडलैम्प है अपना कर सकते हैं। और ये आपका फोक लैम्प का बटन है, ये आपका रियर फोक लैम्प का बटन है। और जो है यहाँ पे आपको ये आपके जो है ये आपका आपके हेडलाइट एडजस्टमेंट के साथ में और क्लस्टर की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने का रिंग बटन दिया गया है। बाकी स्टेयरिंग को यहाँ से आप टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों कर सकते हैं। और एसी वेंट जो है इसमें आपको चार एसी वेंट दिए गए हैं, जो कि राउंड शेप में है। बाकी आप देख सकते हैं इसका जो है डैशबोर्ड का जो इंटीरियर का जो प्रोफाइल डिजाइन दिया गया है ना भाई, इसको जो डुअल टोन में दिया गया है, इसका जो रेड एंड ब्लैक के साथ में जो कॉम्बिनेशन इसका जो दिया गया है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लुक वाइज भी और प्रीमियम लगता है। और इसका जो डिस्प्ले जो दिया गया है वो 10.1 इंच का जो है इसका डिस्प्ले है, और देखने में बिल्कुल स्पोर्टी लुक का फील आता है। बाकी यहाँ पे जो है कुछ कमांड्स दिए गए हैं, जैसे कि ये आपका वॉल्यूम की है, ये फैन एडजस्टमेंट के साथ में है। एसी आप ऑटो भी कर सकते हैं, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आता है इसमें, यहाँ से आप म्यूट कर सकते हैं। और ये आपका इंजन ऑटो एंड स्टॉप का है, ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग सेंसर और स्क्रीन ऑफ करने के लिए।
और ये आपका एसी का बटन और ये आपका हजार्ड लैंप। इसमें बहुत सारी टेम्परेचर अपना अपना सेट कर सकते हैं, ड्राइवर को ड्राइवर दोनों अपना अलग अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का जो है पुश बटन है, यहाँ पे आपका मीडिया आता है इसमें जो कि यूएसबी टाइप सी एंड ऑक्स का पॉइंट मिल जाता है। बाकी ये आपके चारों पावर विंडो ग्लास अप एंड डाउन के लिए बटन दिए गए हैं और यहाँ से आप जो है ऑटोमेटिक आपका डिफरेंशियल जो फोर व्हील ड्राइव के लिए है उसका है, जो कि यहाँ से आपका ऑटो कनेक्ट और ऑटो डिसेबल हो जाता है। बाकी यहाँ पे जो जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर में दो गियर होते हैं, तो वैसे भी जो है इसमें भी हैं जो कि दो गियर के हैं। ये आपका ट्रायन मोड के लिए गियर दिया गया है और ये आपका 9 स्पीड ड्राइविंग गियर है। बाकी इसको 2 व्हील हाई और 4 हाई ऑटो चलता है और 4 पार्ट टाइम चलता है और ये आपका 4 लो के लिए है। बाकी इसमें आपका ये हैंड ब्रेक खींचने वाला है और यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको मिलता है ग्लो बॉक्स और इसको आप जो है की से लॉक भी कर सकते हैं, परमानेंट लॉक हो जाएगा। यहाँ पे रैंगलर की बैजिंग मिलती है और ये आपका हैंडल है अगर आप एडवेंचर पर्पज से जाते हैं और जैसे होता नहीं है कि जहाँ पे रोड वगैरह नहीं होती है, ज़्यादा ऊपर खावड़ जगह होती है ऑफ रोडिंग में, तो गाड़ी हिलती रहती तो पकड़ के बैठने के लिए कि अपने आप को स्टेबल कर सकें तो वहाँ पे इसके लिए हैंडल ले गया। बाकी ये आपका हैंड एडजस्टमेंट के साथ में IRVM है और ये ऑटो डिमिंग मिलता है इसमें। ये आपका हार्ड ऑफ है, इसको आप परमानेंट अपने हाथ से इजीली जो है ओपन कर सकते हैं। ये आपके यहाँ पे लॉक हुक दिए गए हैं, इनको आप ओपन करके ऐसे इसको हटा सकते हैं, चाहे तो एक हटाइए या दोनों हटा सकते हैं एक साथ में। बाकी यहाँ पे आपको सनवाइजर में जो है ये इसमें मिरर दिया गया है और इसमें लाइट्स भी है और इस साइड में जो सनवाइजर है इसमें भी जो है ग्लास है और लाइट है। बाकी इतना कुछ इसमें मिलता है आपको और एक बार इसका ऑन करते हैं इग्निशन को ऑन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आता है इसमें और देख रहे होंगे ये आपका जो है एनालॉग और बीच में आपकी MID है और इसको ऑन कर लेते हैं तो यहाँ से आपको कुछ ऐसा इसका इंटरफेस ओपन होके आता है और यहाँ से आप जो है सारी कुछ चीज़ें चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये आपका फ्यूल इकोनॉमी वगैरह, ये आपका ड्राइव ट्रेन के जो कि डिफरेंशियल लॉक जो मैंने यहाँ पे बताया था ये वही सेम चीज़ यहाँ पे आती है आपकी। और ये आपके जो हो टायर प्रेशर है, टायर मॉनिटरिंग प्रेशर इसमें जो है TPMS आता है। तो भाई इस ऐसे जो है इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स जो मिल जाते हैं और इसको करते हैं अब ऑफ और चलते हैं इसके बैक सीट पे। ये भाई क्या मस्त फीलिंग आती है डोर को ओपन करते ही, काफ़ी हैवी डोर हैं इसके और यहाँ पे आपको ये सीट्स हैं जो कि बिल्कुल स्पोर्टी डिज़ाइन दिया गया है सीट्स का और पीछे की साइड में आपको यहाँ पे 2 AC vent मिलते हैं राउंड शेप में और यहाँ पे आपको 2 बटन मिल जाते हैं जो कि क्लास अप एंड डाउन करने के लिए है। यहाँ पे आपको 230 AC 150 वाट का सॉकेट मिलता है और यहाँ पे आपको यहाँ 2 USB पॉइंट और 2 Type-C पॉइंट्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको जो है ये मिलता है, ये इतना स्पेस जो मिलता है यहाँ पे आप मोबाइल रख सकते हैं बिल्कुल ईजिली। जैसे चार्जिंग पे लगाया तो मोबाइल कहीं ना कहीं रखना ही पड़ेगा और केबल हमारा छोटा है तो कहीं ना कहीं रखना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे आप इजीली अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको जो है हैंडरेस्ट मिलता है और यहाँ पे कप होल्डर मिल जाते हैं इसमें, ये आपका मोबाइल होल्डर हो जाता है, यहाँ पर आप मोबाइल ईजिली रख सकते हैं। बाकी अगर आप 3 लोग बैठ रहे हैं तो ऐसे कर दीजिए और इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5 हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि एडजस्टेबल हैं। बाकी ये आपका जो है बीच का बिम है और इसमें आपको स्पीकर यहाँ पे फिक्स मिलते हैं जो कि अल्पाइन के स्पीकर लगाए गए हैं इसमें। 2 स्पीकर यहाँ पे मिलते हैं, 2 आगे डैशबोर्ड में हैं और 2 ट्विटर हैं। टोटल आपको विद ट्विटर के साथ में 6 स्पीकर मिल जाते हैं और गजब का साउंड आता है जब बजते हैं। बाकी यहाँ से देखने में जैसे कि आप देखिए यहाँ से मतलब कि क्या इसका जो है लुक है इंटीरियर का, जो मतलब एक गजब का स्पोर्टी लुक
आता है कि मतलब मैं इसकी फीलिंग मैं कैसे बताऊं कि मतलब मैं मेरे पास वर्ड ही नहीं है, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि मैं इसको मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा हूं कि मैं क्या बताऊं कि मुझे कैसा फील आ रहा है भाई इसमें बैठ के, क्योंकि करोड़ों लोगों की यह जो है ड्रीम एसयूवी है, लाखों लोगों का सपना है भाई इस जीप ट्रायंगलर के लिए। इसका जो प्राइस है वो लगभग 75 से 76 लाख रुपए के आसपास का जो प्राइस है वो है 75 से 76 लाख रुपए। और बाकी आपको इस एसयूवी के बारे में क्या कहना है आपका, ये फुल्ली ऑफ रोडर व्हीकल है और एडवेंचर के पर्पस से है, बाकी आपका क्या कहना है इस एसयूवी के बारे में। और यहाँ पे आपको जो है रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं, यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, इसमें 4 रीडिंग लाइट मिलती हैं यहाँ पे। और सीट बेल्ट जो है इसका एडजस्टेबल है, यहाँ से आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको 2 एयर बैग मिलते हैं और यहाँ पे जो है आपका ये माइक मिलता है, दोनों साइड में यहाँ पे आपको माइक दिए गए हैं, आगे की वहाँ पे जो है 2 माइक दिए गए हैं ताकि कॉल वगैरह करने में वॉइस क्रैक ना हो। बाकी ये आपका यहाँ पे हैंडल दिया गया है यहाँ पे चढ़ने और बैठने के लिए। बाकी इस गाड़ी के बारे में आपका क्या कहना है, अगर आप भी जीप के लवर हैं तो कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसमें 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 272 bhp हॉर्स पावर के साथ में 400 nm का टॉर्क जनरेट करता है। और नीचे का जो एक बार आप नीचे का देखिए मतलब कितनी ऊंची है, जो कि मतलब इसको कहीं भी ले जाओ, कैसा भी ट्रेन हो, कहीं भी कुदा फना दो, कोई टेंशन नहीं। बाकी इस गाड़ी के बारे में आपका क्या कहना है, कैसी लगती है आपको जीप ट्रायंगलर रूबिकॉन। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।